चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नर्सेज के खिलाफ पिछले दो वर्षों में जो काली नीतियां बनाई है उसके खिलाफ। सेल मेल नर्सेज की कहानी शुरू होती है आज से एक साल पहले एम्स की सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बॉडी की मीटिंग की गई। उस मीटिंग के अंदर न केवल बेसिक फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करते हुए बल्कि हमारी फीमेल नर्सेज का अपमान करते हुए कंफर्ट के नाम पर 80% रिजर्वेशन फीमेल को दिया गया, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक था। न केवल असंवैधानिक था बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और गाइडलाइन का भी अवमानना थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये स्पष्ट कहती है कि किसी भी सूरत में सर्विस मैटर में रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन इन नियमों को ताक पर रखते हुए केंद्रीय चिकित्सा मंत्री ने नर्सेज विरोधी नीतियां बनाते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बॉडी ने मेल नर्सेज के खिलाफ काला कानून बनाया, जो एक 80-20 के रूप में 80% फीमेल नर्सेज और सिर्फ 20% ही मेल नर्सेज को रिक्रूट किए जाने का प्रस्ताव था। हमने हमारे हर तरीके से इस काले कानून का विरोध किया। न केवल कई तरीके से इस पैंडेमिक के दौर में सोशल हमारे काम को बाधित नहीं करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इसके अलावा कई सारे राजनेताओं से भी मिले, लेकिन हमें हर तरीके से इस मुद्दे पर निराशा हाथ लगी। हमने कई बार केंद्रीय चिकित्सा मंत्री से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन केंद्रीय चिकित्सा मंत्री अपने इस नर्सेज विरोधी रवैये से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। एम्स नर्सेज यूनियन लगातार इस फैसले का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि साल 2019 में ये फैसला लिया गया जो सरासर गलत है, जबकि किसी भी सरकारी नौकरी में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसमें महिलाओं के लिए 80% और पुरुषों के लिए 20% का आरक्षण रखा गया है। 80 और 20 का अनुपात सरासर गलत है, 50-50 का अनुपात किया जाना चाहिए और आने वाली 15 जून को इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।